श्री गणेश नमः। दोस्तों ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 27 अक्टूबर बुधवार आज के मकर राशि फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों सेहत के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज आप किसी वरिष्ठ से अपने कैरियर को लेकर कोई सलाह ले सकते हैं और उस सलाह को अपनी जिंदगी में जगह भी दे सकते हैं और आज आपके दोस्त और करीबी लोग मदद के लिए आपकी ओर हाथ बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों नए रोमांस की संभावना प्रबल है। प्रेम का फूल आपकी जिंदगी में जल्दी ही खिल सकता है। आज के दिन आप कार्य क्षेत्र में कुछ बढ़िया हासिल कर सकते हैं। दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी थकाऊ रहे लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे और दिन के अंत में आपको अपने लिए समय मिल पाएगा और आप किसी करीबी से मुलाकात करके इस वक्त का सदुपयोग कर सकते हैं। वैवाहिक सुख की दृष्टि से आज आपको कुछ अनोखा उपहार भी मिल सकता है। साथ ही आय के स्रोत बढ़ेंगे, कैरियर में भी लाभ प्राप्त होगा। धर्म कर्म के मामलों में भी आज आपका विशेष योगदान रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके लिए क्या नेगेटिव रहने वाला है। कभी कभी आपका विचलित स्वभाव आपके लिए ही परेशानी उत्पन्न करेगा जिसकी वजह से आपकी कार्य क्षमता में कमी आएगी। अपनी इस कमी पर काबू रखें, दूसरों की बातों में आने की बजाय अपने निर्णय स्वयं लें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। पति पत्नी आपसी सामंजस्य से घर में चल रही किसी समस्या का हल निकालने में हर सक्षम रहेंगे तथा घर परिवार में आपसी प्यार और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध भावना प्रधान रहेंगे। जी हाँ दोस्तों आपका व्यवसाय कैसा रहेगा। व्यवसाय में विस्तार की योजना पर काम शुरू होगा। कोई योजना जो पिछले काफी समय से लंबित थी उसका पूरा होने का समय आ गया है और कार्य क्षेत्र में की गई मेहनत के जल्दी ही उचित परिणाम हासिल होंगे। अगर आप अपने कारोबार में कोई नया अमल कर रहे हैं तो प्रयासरत रहें। प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पर भी अपना ध्यान दें। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा। दोस्तों आपका घर परिवार कैसा रहेगा। पारिवारिक परिस्थितियां खुशनुमा रहेंगी। बुजुर्गों के आशीर्वाद और सहयोग से घर में सकारात्मकता बनी रहेगी और विपरीत परिस्थितियों में भी आपको अपने जीवन साथी से पूरा पूरा सहयोग मिलेगा जिससे आपका आत्मबल बना रहेगा। इससे आपको काफी अच्छा महसूस होगा, आप काफी प्रसन्न रहेंगे और आपका तनाव भी कम रहेगा। दोस्तों आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा परंतु आप अपने आत्मविश्वास और मनोबल में काफी कमी महसूस करेंगे। अपने विचारों में सकारात्मकता लाएं तथा मेडिटेशन पर भी ध्यान दें और यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है तो नियमित योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, भगवान श्री गणेश को 5 पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और इसी के साथ हरी दूरा अर्पित करें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम गंगणपति नमः, ओम गंगणपति नमः। इस प्रकार उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। दोस्तों आपको भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय गणेश अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।